सिंह और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। पबजी इंडिया जिसे आप सभी बीजीएमआई के नाम से जानते हैं जल्दी भारत में बैन करने वाला है। खैर यह वह सवाल है जिसे आज सैकड़ों लोग खोज रहे हैं और यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हाल ही में दो बीजीएमआई स्ट्रीमर ऑनलाइन एक गर्मा गर्म बहस में मिले हैं जिसके बाद उनमें से एक बड़े पैमाने पर घायल हो गया है और अब यह शहर की चर्चा बन गई है कि स्ट्रीमर कौन था और वह कौन है जिसने अपने प्रतिनिधि को हराने के लिए लड़कों को पीटने के लिए भेजा। इंटरनेट पर इतनी सारी ट्रेंडिंग न्यूज वायरल होती है कि आप कुछ कह नहीं सकते। अब इसी के बीच भारतीय यूट्यूबर्स के दो नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारस ऑफिशियल और डाकू बिलिंग की। दोनों लड़के स्ट्रीमर हैं जो आमतौर पर अपने बीजीएमआई गेम प्ले को स्ट्रीम करते हैं। सूत्रों के अनुसार यह पता चला है कि यह सब एक वीडियो के साथ शुरू हुआ था जहाँ पारस आमतौर पर डाकू का मजाक उड़ाते थे, जो की कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर मस्ती के लिए एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन यह भी सही है कि कभी कभी सामान्य सा मजाक खतरनाक हो जाता है। आपको बता दें कि केवल इंटरनेट नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी सभी यूट्यूबर्स अब पारस का समर्थन करने के लिए सामने आए हैं। खैर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गेम स्ट्रीमिंग करते समय गेमर्स और क्रिएटर्स दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि कैरी मिनाती जो विश्व स्तर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, वह स्ट्रीम करते समय कुछ बिंदुओं पर गाली देते हैं और कुछ अन्य यूट्यूबर्स भी ऐसा ही करते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सुना इससे पहले कि कुछ लोग बदला लेने के लिए अपने रचनाकार को इतनी बुरी तरह से इस हद तक आ जाते हैं। हाल ही में डाकू ने एक और गेम स्ट्रीम किया जहां उसने पारस के बारे में बोला और यहां तक कहा कि यह सच है कि पारस और वह एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन यह सब खेल तक ही सीमित था और ऐसा नहीं है उनके निजी जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि पारस ऑफिशियल की ओर से YT पर अपलोड यानी कि यूट्यूब पर अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियो में पारस ने कहा कि वह चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और इसमें वह सभी का सपोर्ट चाहते हैं क्योंकि डाकू के भेजे हुए लड़के पहले जबरदस्ती उनके घर में घुसे जहां उन्होंने पहले उनकी मां को धक्का दिया और बाद में उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्यवाही की है और डाकू को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखने के लिए।